हाँ जी क्यों भाई? उसके याद आमते मेरा आप हंसी छूटी वह न्यू छूट गई। ये मारा हरियाणा में जब आदमी बात कहे है ना, जब कहा अगर भाई बिला फिर फलानी बात बिला ढकड़ी बात बिला यूपी में क्या अगर इब्जा भाई उरो आ जाओ हाँ, इब्जा भाई इब्जा हाँ, इब्जा वो हर बात इब्जा करा रहे इब्जा भाई इब्जा का तो एक वो यूपी का जो पहले गुड़गुड़ बनाया करते ना हमारे पुलवा में, तो यूपी ते जिमर आया करते, एक जिमर आ रहा था यूपी से और पकावा बोल रहा पकावा जी से कहा करते ठीक ठीक गुड़ पकावा था। तो वो ताऊ जो था ना कोल्लू वाला, वो जब बात कहे जब भाई बिला कहे बिला भाई जी मर के हाँ बिला भाई जी मर के न्यू बिला भाई न्यू उसकी समझ में आप बिला ना आवे बिला को ना बिला को ना अच्छा बिला के कहे अच्छा ओ बोला इब्जा बिला ताऊ या बिला के हो है अच्छा वो बोला बिला बोला हाँ या बिला है तो बुझू इब्जा या बिला क्या का नाम है। उसने जब दो तीन बार इब्जा कही ना, जब वो ताऊ ने सोची ये इब्जा कहे से अच्छा हाँ वो बोला भाई बेला सोच थारी इब्जा का लोग डांगी साहब ये इस आपकी बात पे एक बात मेरे भी याद आ गई यूपी की। अच्छा पल्ला सवारी इसी हो करती, अरे हमारे संगी पत्नी तो जा करते कंध्या पे बिस्तर ठाके जा करते, ते मई चंद का था बेड़ा अच्छा। और मैं मई चंद वो बबलिया गे हाँ उसका बेड़ा अच्छा, था अच्छा अच्छा। ते भाई बेड़ा बांध गया उन्हें यूपी की साई ले ली कोई अच्छा। ते उनके दोरे एक उस्ताद रहा आ करता अच्छा। ते ये यूपी आले इसे हो गए जंदे अंदे आदमी ने राम है टोक लिया कर हाँ। बोला भाई किज्जा है के बात से क्यों हाँ। करा रहा से हाँ। ते अच्छा। एक आदमी यूपी का हाँ। ते सांग आले ने भजन आले ने मारे हरियाणा में सांग कह दे हाँ। है भाई हाँ। सांग का बेड़ा कह दे है उड़े यूपी में खाड़ा कह है भाई यू फलाने का खाड़ा। ते भाई वह यूपी में जान लाग रहे थे एक आदमी उन्हें राम है मिल गया यूपी का वो बोला बोला भाई भाई अब जा यू खाड़ा किसका है उस्ताद ढोलक बांध रहा कड़ पे बिस्तर धर रहा वो बेचारा दो ढाई मील पे दिल चल रहा तो वो तंग हो रहा था तो उसने जवाब दिया फिर उस ताई हाँ बोला भाई यू खाड़ा तो है माई चंद का पर हो रहा था मारी जान ने एक धोबी ने प्रेस वरेस कपड़े कर कदर रखे दे तो मी का टाइम हो रहा था बारिश होने लग गई जो धोबन तेन बोलिया अगर धोबन जितना डर टपकेगा है ना इतना शेर का नहीं और को शेर भी उनके छान के पाछे बैठा था उन्हें सोची शेर ने अब तेरे तो को बड़ा जानवर सही हो टपके दे डरे से टपके दे अरे कमार का खुरा था गधा टांगी साहब हां भाई वाह उस दिन उस दिन उस दिन के उस राय थे उस राय थे सात जी का टाइम था अच्छा वो बिजली का चमकारा लग गया उन्हें सोची तेरा गधा बैठा है और वो था शेर अच्छा वो उन्हें पकड़ो तो गधे से डरता ना कान पकड़ कर पकड़ कर ला गया ठा कान पर फल मारी मारी फलंगारी उसके ऊपर है मरते फलंगारी उसने शेर ने सोची जो टपकाएगा थे गया तो वैसे देने धर धर का कराल मारा शेर और चमकारा लग गया उन्हें सोची उसको मारना है तेरा गधा तो खून है तेरे टट्टू के तो पांव भिड़ते चल जा करते ये मेरा बट्टा भाजन लग रहा तू तो और क्या मैं बैठ लिया मैं क्यों करण एक बड़ था डांगी साहब उन्हें सोची को मारना यू गधा जयू शेर आड़ेगा होले
तो योड़ का ढह पड़ेगा। शेर ने भी नहीं वो सोच ली, दूसरे बैठा है योड़ का ढह पड़ा, हाँ यो टपा ढह पड़ेगा जर्जिया का, बस वो अपना उड़ेगा होलिया होते और कम आर गटा दिखाएगी बड़की अच्छा ऊपर अच्छा वो बड़वाल की लटका कर वो जाएगी, बस शेर की होगी उड़गी कड़ी मारा दर दर गया कराल बाकी तो बंदर आ गया कुमार का डरता उड़े जा बैठा ऊपर पता के हम जा बैठा अच्छा बड़ पे हां अगर शेर फेर आ गया आगे तो बंदर आ गया बोले ओ मामा डटिए अरे क्या गए डटे खालिया टपके ने अच्छा बोले वाह मामा टपके तो बोले मैं रोजाना खाऊं बोला रे कितना टपकी देखी है टपके का नहीं फसा अब चल मेरी गेल मैं बताऊंगा तने उनको मारना सोची बंदर की जाए तो है होशियार ऊपर चढ़कर है बको मारना इतना पत्ते पकड़ गए और अपने ऊपर ढक लिए ढकते बंदर ने तो चढ़कर वो उसके छाती में चुतड़ जा टेके को मार गए बोले मरवा होगा भाई वो ऊपर देख मोटा पर बनता तोड़ा अब देखिए मामा यू था टपका अब ना भाई इतने में बंदर की पुंजड़ पत्ता मगले कड़कन है और कुमार की ठोटी का जाड़ी ये बोले चाक गमा करता ना डागी साहब उन्हें लाया थूक हथेली कर बस दिया बटा पुंजड़ गया बदन ते बंदर लगा खर खर करना वो शेर ने सोची ने साला था आगे टपके बंदर ने पाछा मारेगा ना दड़ पड़ा गुद्दी ताएगी पड़वाली पुंजड़े बोला मामा डटिए डटिए अरे मैं नहीं डरता बोला मामा यू टपका ना था अब और कह दा गई था पुंजड़ पाड़ ले राम इस बात पे एक बात मेरे भी और याद आ गई भाई ईसा टाइम सदरिया था भाई ने प्रेम सिंह दयाती ने थोड़ी ही देर पहले एक बात सुनाई थी बोला भाई मेरा शिण और मेरा शिणी की मैं एक डूम और डूमनी की सुना दो हूँ भाई बारिश का कम सूत बैठ रहा था जमींदार खेत में हड़ बाण लाग रहा था भाई डूम का नाम था घटा टोप और डूमनी का नाम था बदली दोनों अपने किते ठिकाने में आन लाग रहे थे ते जाट के डोले डोले अच्छा जोड़े अड़बा हुआ था बिना बरसे भी बेचारे ने हड़बा बागे खूब दाऊ अपने शरीर में पसीने ले रखे इतने में डोले डोले बदली दे सिर पे गठड़ी टेक दी और वो अपने डूम था वो गिल्ला पाछे पाछे कम से कम दस डंक है पाछे दे वो आन लाग रहा वो घटा टोप हाँ वो घटा टोप ते बादली ने रुका मारया ए बला तोड़ा तोड़ा आजा घटा टोप ए बला ए बला डटिए बादली डटिए डटिए चौधरी ने सोचा ये यार राम बरस नीरा और तेरे वर्गा कौन निर्भाग बादल दे ये लकड़ी के बादल रियू घटा टोपर या बदली ये आड़े तेरे डोले डोले के दान लाग रहे जाट ने फेर छोड़े आड़े ले गए सट्टा और बस बदली की फटबा पकड़ी नो बोला आज बता तो नो सुखी है क्यों कर चली जाएगी डोले डोले उसने हाथ छुटान की कोशिश करी जाट ने खेच के उगे सटे दो तीन मारे मारे दो तीन सटे भाई डर में डूमनी का मूत लकड़ गया ते उसने सारे शरीर का ने देखा तड़े दो दो टपके लाग रे पड़ने बोला आज इतने नहीं किला भर बरस लेगी ना इतने जान नहीं चुप बैठ गए जी। अच्छा जी
अब मेरा एक बात याद ही आ गई डांगी साहब, आजकल ये मर्द मानस जो है ना बीरबनिया तो बहुत लाग गए डरन। मारा एक दोस्त मारी गल नौकरी कर रहा है, ओ हम उसका घरा मिलन गए, घरा मिलन गए तो उसका तो मैं सब्जी काटनी ला रहा है कि उसकी मेरी बहनी ने और वो सब्जी छोलन काटन मंड रहा है, पहले कुछ और भी करया होगा और वो अबीर बनी जो है स्वेटर बनाती बनाती की तो और पड़ोसियां गई। अच्छा तो जी हम भी उड़े थे, वो अबीर बनी जब आई तो डर के मेरे ने बोला भाई तू भीतर बैठ जा। अच्छा मैं बोला रे के रसा ऐसा के पहाड़ा बोले आ हा हा ठाली बात करते ने देखते है अबीर बनी जो है ना एकदम मगज बांध ले से इतना डरे हो। अच्छा हमने सोची भाई दूसरे बीर बनी के बेइज्जती हो जाए खानदान, हम भी एक कूड़ में लग गए और वो आई ने बोली तने सब्जी भी नहीं काटी और उनकी तू तू मैं हुई शुरू जी गर्मा गर्मी उस बीर बनी ने बेलन खा लिया। अच्छा तब भाई साहब डरता खाट के तले पड़ गया। अच्छा जब ने बोली क्यों खाट के तले पड़ है, जब शेर ने बोला मेरा घर चाहे मैं कितने बढ़ू। अच्छा ले एक समाने में चल पड़ा, उसकी घराली बोली ले जाए रे भूख लागे राम ये शेर चने ये बांध लीजिए। हाँ ये बांध लीजिए बोले अच्छा दे। तो वो चलता चलता जी एक गांव के गोरा पहुंच गया तो एक लोग आई अच्छा शंकर दजर के ने और अपना पानी भरना रही थी। अच्छा वो बोले अरे पानी पियाइए। अच्छा बोला तेरे हाथ टूट रहे हैं। बोला अरे पानी प्याण में क्या हरस है। बोला शेर चने ये ले ले। बोला ना मना नहीं चाहते शेर चने ले जा अपने। उन्होंने सोची आज इससे डटना गनगा छप जी। अच्छा तो पहुंच गया उसके बारे में आ गए खाट में बैठ गया था और उसके मर्द की दुखद ही आंख वो भीतर लौट रहा था और पड़ोस में था ब्याह डांगी साहब वह गीत गान गई तो वह उनके खीर बना रखी थी। वो बोली ले वेदापा तू या खीर ले जा तेरे मर्द की आंख दुख है आंखें लाली पाटी जाएगी। अच्छा बोले अच्छा ले वो तो खीर गलाग ले लागी और इतने में उसने के करया बोले ओ भाई भीतर गया हूं दूर। अच्छा जागो बोले भाई तू बाहर बैठ जा तेरी आंख दुख है सीढ़ी सीढ़ी बाल लागेगी। अच्छा अब मैं छोरे दूर में लौट जाऊ। अच्छा वो तो बाहर लौट गया आने का और वो ले आई खीर। बस वो बोली देखे ओ बतेरी के बाबू ले खीर खा ले तेरी आंखें लाली पाटी जाएगी। बोला थाली पकड़ा थी डांगी साहब पकड़ाते थाली अरे तो बड़ा लाग गया लाली पाड़न मंड गया तो कति कसुता हो गया अंधा होगा मंड गया। तो जो आज पात्या बैठ के जड़ में बोली बोला देखे फलानी ने भी कंठी बनवा दी झकड़ी ने बनवा दी आज मेरी कंठी बनवा दे। बोला यार दौरे दे शेर चने से फिर गई उल्टी बाजी। ले जादी राम कुत्ते लड़ते आगे और वह खीर खिंड गई मेरा मरता रह गया न्यूगा वो था खीर गड़ान लागी डांगी साहब और वो भीतर तो उठा बोला वो भाई हट चो अपने छोरे द्वारा चाल तू। हाँ अपने छोरे द्वारा चाल मेरे दिन दौरे नंदा वो तो अपना वो भीतर लौटा दिया। फिर वो आई उन्होंने सोची वो तो भीतर पड़ा हो वो मैं मानता हूँ तेरे वाला तो बाहर से। अच्छा बोला सुना है बतेरी के बाबू अगा अब अगले खीर खा ले तेरी आंखें लाली पाट जाएगी। वना फिर लाग गया लाली पाड़न वो फिर पांदा बैठ गई फलाने ने कंठी बनवा दी डकड़े ने नाथ बनवा दी एक मेरी कंठी तो भी बनवा दे। अच्छा बोला यार दौर दे शेर चने बोला चाहे कुए भी ले लियो चाहे भीतर ले लियो चाहे आड़े ले मेरी साहब दिल्ली पहुंच गया जी पहले खान पीन की बात करो ने। अच्छा, अच्छा। अरे दिल्ली स्टेशन पर तो उतरिया। अच्छा और बड़े बाजार में गया जब एक मोटा हलवाई और उसने मावे ने रफड़न ला गया। अच्छा बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले बर्फी बड़ा बड़ा अजड़ में धरिया जाट का जो है जी जो है न्यो करा जो एक मन ने पेट जाई भी बड़ा जी कर हौसला करके और हलवाई द्वारा पहुंचा जी डांगी साहब जाके कह लगा रहे हो भाई वो आदमी है गम चक्कर लके बात और साहब अरे बोला ये तेरी जड़ में मिठाई धरी न तू खाता नहीं। अच्छा अरे तू आदमी से कैसे अरे तेरी जड़ में ये लड्डू पेड़े बर्फी बालू शाही
नाश हो जा बोला अठ जा मारा हो लेने एक लाला जी की मेरे भी अच्छा 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 एक बनिया अच्छा और उसके बननी अच्छा रेल के डिब्बे में अकेले बैठे अच्छा सफर कर रहे थे सफर कर रहे थे रेल के डिब्बे में वो दोनों बेचारे अच्छा रेल का डिब्बा पड़ा खाली अच्छा अगले स्टेशन पर 100 आदमियों की बारात आई अच्छा और वो खाली देख के उस डिब्बे में बैठ गए अच्छा तब बराती चाहे बूढ़े हो और चाहे जवान अच्छा वो बराने शर हो सला उपाधि बस हांड फेरका है और उस बानिया के टुकड़े देख रहे आ बैठे उन सीटा धोरे आ बैठे तो कुबद करे बात था की अच्छा एक जना बोला बोला यार जंजीर सी केला रखी अच्छा वो बोले भाई यार इसका हाथ मत लाइयो आपस में बोले अच्छा इसका हाथ मत लाइयो क्यों अगर यह खिंचगी ना तो रेल थम जाएगी अच्छा अच्छा रेल थम जाएगी ठीक उधर रेल थम जाती थी अच्छा नहीं जंजीर खींच दे रेल थम जाएगी अच्छा तो दो तीन नु बोले बोला है ससुरा झूठ बोल रहे अच्छा बोला झूठ बोल रहे तो खींच के देख ले फिर एक तीसरा ने बोला खींचिए मतलब जुर्माना हो जाएगा बोला कितना अगर 250 रुपये अच्छा बोला एक जना और चालू था उन्होंने बोला बोला खींच के देख लो 250 दे देंगे बोला भाई 250 तो गणे हो बोला नहीं काम करो 250 रुपये दे दो सारे 100 के 100 और क्यों हो गए रेल की बात आपकी पूरी तो ठीक उसने सब पर 250 रुपये ले लिए 250 रुपये लेके और एक जने की जोड़ी में गाल दी बोला ले भाई यो तो जुर्माना तो काबू साचा कर लिया अब देखेंगे कहते रेल थम्भेगी और ना थम्भी बेरा पट जाएगा और थम्भगी और तब ये पीछे सहे त्यार 300 रे लटके जंजीर के और वो भाई जंजीर खींचते थम्भगी थमते रो टीटी आ लिया नून तक गाड़ बाजा ठीक बोला भाई किसने खींची जंजीर है वो बतलाए रेल तो सही थम्भगी और ये मानस भी आ लिया जरूर बोला किसने खींची रे एक गणाऊ था उनमें उन्होंने बोला इस लाला जी ने खींची बोले वो लाला जी बचो भाई सो भाग बोले भाई क्यों मैं बनिया बोला जंजीर खींची बनिया साल बाद इतने छाना मानस था उन्होंने बोला हाँ जी हमने खींची है हमने खींची क्यों खींची बोला इन ने हमारे 250 रुपये लूट लिए बोला 250 लूट लिए इतनी बार में एक पुलिसिया भी आ गया बोला क्यों भाई लाला क्या करे बोला जी 250 रुपये लूट लिए बोला क्या सबूत है बोला सबूत यह है देख रहे इस बूढ़े की जोड़ी में पूरे 250 पाओगे बूढ़े का लाई खोद से पाई चपक दे 250 दे दिए किट्ठे करिए रखे थे और बारी यार तय करके घाल लिए और वो पुलिसिया चालने लग गया ना जब ने बोला भाई बनिया ने बोला बोला भाई बाबू जी थोड़ा सा थम जा बोला कि अगर मारा गाड़ा बदलवा देना फिर खोसेंगे अगली पाल बन गया वो तो लेके लेके 250 लेके 250 गाड़ा बदलवा यार बननी गाड़ा बदल गया क्या की बात है हां जी एक चोरी साहब रेल में चढ़ लिया जी हां जी रेल में चलन दे पहला मारे अपने यार रिवाज है ही हरियाणा में भाई कुछ ना कुछ खाना पीना लिए के चलते हैं तो महाराज जब पहला जा करते तईब तो मड़े घी दूध घने में घे हो रहे हैं तो एक आधे मानस ने तो मिलता भी नहीं है पर बाकी अमूमन आदमी जाए से अच्छा चूरमा जाडे टाइम दे बाजरे घने हो अगर ते एक बाजरे का पिंड बंद हुआ अगर झोले में घाल गए चोर साहब और बक्का साहब बांध कर कंबल के चोट मार गए अरे लगे मां अच्छा बैठ के चल पड़ा दब चक दब चक दब चक दब चक गाड़ी चली चले पाछे एक सरदार जी जड़ में बैठे तो सरदार जी तो ना डटा गए कोई सफर में भाई बातचीत करे बिना टाइम भी पास ना हो तो चौधरी कह लगा चो साहब तो अड्डा केड़ा पिंड है अच्छा और उन दो आठ ने सोची भाई ने कहता चूरमा दी कसाई कड़े के देख गया तो दा काम पड़ता लको रहा है कती नहीं बोलया और लको लिया और सरदार जी के में शक हुआ भाई संकोच सामान्य इसने तो मन तो पिंड पूछ जाए इसने बोला चोरी साहब दशा नहीं तो डकेड़ा पिंड है नो बोला यार बाजरे का है
अच्छा तो ना मानता दे बाजरेगा अच्छा फिर उन्हें सोची कदे यो बटू वाले तेरे दोरे तू ही दोरे न्यू दे बुझ ले यो भी ले रहा शेख ना कदे तेरे में तो बटू वाले जब ने बोला तो भाई सरदार जी तो भी बता दे तेरा कौन सा पिंड से अच्छा उन्होंने बोला जी साडा तो बठिंडा है अच्छा उन्होंने बोला भाई यो तो नया है ना चाचा अच्छा जी एक बार बाजरा आकड़ गया अच्छा आकड़ गया बाजरा आकड़ गया बाजरा भी आकड़ा कर रहा है आकड़ जाएगा आकड़ जाएगा खा गए देखो आज स्थानिया गई जी आंख नहीं हो जा बाजरा आकड़ गया जी अच्छा और खखरियो लग गया कौन अच्छा इतने में शीत सुना था ने बोला रे छोरे के बात से अच्छा ने बोला काका तेरा जकरा ना एक गंजा आदमी अपनी ससुराल चला गया तो जी उसकी कोई बूझ नहीं आती भाई राजकिशन क्यों गंजा आदमी था और सतरे सतरे कई बटे हुए उनकी बूझ घनी वारती वो अपना जाता अगले दिन अपना उल्टा बैरिंग पे लेता एका दिवे अपनी बहू ने दे आता ईप के ने जब वो गया सामने के महीने में छतरी ले रहा डोगा ले रहा और पहले अच्छे सज धज का जाते ना तो बहुत सारे चोरे पजामी पे अंडे हैं पहले तो पूरे गांव में एक ड्रेस मिल जाती टांगी साहब आपका तो बहुत वो शंकर का छोरा और गंजा था गया अपनी ससुराल जागा ससुराल और जी एक दिन डट के और अगले दिन चलन लग गया जब भाई साली सप्तिया ने सोचा अब इसका मजाक करो अच्छा मजाक की सोच ली तो मजाक में क्या कहा उनने वो कहने लगी जीजा देखे तू आज ना जाइए थोड़ी ही आने हमने तेरे देख जरूरी काम से अच्छा उसका वही जी को तो के दी ही अगर एक कदे 11 साल हुए लिए मनाए कदे किसी ने नहीं हो कही तेरे तो जरूरी है काम है पर भाई आज तो सुनेंगे ये उस तरह ना डटिया गया ना डटिया गया घंटे के पाछे ने बोला अरे मन बताओ ना भाई के जरूरी काम है जो उसकी साली ने बोली मेरी चून सुन रखा वो इन करी थी तेरे जीजा शर्प शमी तोड़ लिया अच्छा ढूंढा एक गांव में एक पंडित जी था अच्छा तो उसके रोज नियुक्ति आए रहे थे अच्छा क्योंकि पंडित वो एक था पंडित एक था तो वो अपना रोज जी मुंजा मोजोरी उसकी जड़ में गरीब सा जाट भी रहे था अच्छा उसका घर था उसकी जड़ में वो देखता जब मैंने कहता बोला दादा तेरी अच्छी मौज हो रही है मेरे बटे रोज खीर पा रहे अरे कदे मारा भी नंबर कटवा लिया मारा भी कटवा लो भाई वो बोला बात नहीं उसे कटवा ते लू इब गांव में तने सब पहचान ले सब जाने भाई तुझे जाट से बोला कि तो और न्योता होगा ना बाहर गांव जुड़ो तने पहचाने ना उड़े ले चालू बोला ठीक से करवाइये वो काम बोला अच्छा एक भगवानी कोई भाई था वो आया बोला दादा दो बामना का न्योता है अच्छा अच्छा तू तो सही जोड़ा बुला लिया हम की तांडूंगा तू एक ना और ले ये ठीक ठीक वो बोला हां भाई दो आम होंगे उसको याद आएगी बात तो चौधरी ले चलिए योग तो साले ससुरा अच्छा 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 वो अपना टाइम होया जब वो चौधरी ने बोला ले आ ले आज से मौका गुआंड का काम गए लो लिया उनका खीर रंदरी थी बड़े बड़े कान्या की अपना थाली थी और उसमें बड़े बड़े चम्मच दरिया खेर खीर गाल दी अच्छा खीर गाल दी पापड़ी सी आ गई खीर पे ठीक आए जा रहे जी ऊपर दे आए जा रहे हैं जी और तो चौधरी पे के डट्टा जाता तले ताती थी तले तो ताती थी अच्छा। वो तो ताती सारी बड़े थी और तो चौधरी तो डट्टा ना गए अच्छा बैठ दे ऊपर शक्कर सी पड़ रही थी बैठ दे गडो का चम्मच और न्यू मारा मुंह में दिया आंखें में पानी आया खीर की थाली पे बैठा नर भाग पानी उसने न्यू सोची न्यू के बताओगा बेसबरा बात जाएगा यो न्यू कहेगा रे इतनी बार भी सबर ना कराया गया बड़ी सीढ़ी हो लिया जब खाली बताइए ना ओ बोला बोला दादा एक रिश्तेदारी में बूढ़ा बीमार है एक बूढ़ा बीमार है वो याद आ गया बीमार ज्यादा था बोला अच्छा वो दादा ने भी मारा कड़सा और ताती खीर उसने भी अलग में दे ली और तो उस कदर टपके पड़े टपके पड़े जब चौधरी का चैन सी हुई बोला दादा बोला तेरे भी बोला आख्या में कमा सूसी आई बोला हाँ
जान गया मेरे बटन न्यू ना बताई ताती। बोला तेरे के बात हुई दादा? बोला वो तेरी रिश्तेदारी में बूढ़ा था ना, वो मर लिया ससुरा। बल्ले क्यों कर जान पाती? सुनिए भाई, रागनी तो सुन ले। अच्छा, बोला तन्ने क्यों कर बेरा पाटिया? बूढ़ा था मारी रिश्तेदारी में मरिया, तन्ने क्यों कर बेरा पाटिया? बोला यू आख्या में तार इससे बात कहा से? क्यों मारिए डाकी साहब, मारिए सारे कर दिए। देखिए ये लोट, ये लोग लोट कोट होए पड़े थे। ये पड़े थे ये सी भाई। हां जी भाई, मेहरबानी से। हां जी, मातेश्वरी मातेश्वरी कैसेट जो इंडस्ट्रीज है उसकी मेहरबानी से जो हम यार बात फोड़ना रे सर भैया का मनोरंजन करवा रहा है। सही बात, इसका हेडक्वार्टर है सोनपत कंपनी का। अच्छा, इस रोड पे बताया, इस रोड पे एमसीआई की कैसेट ये है जो हम कहने लाग रहे हैं। बात हसी मजाक का, ये कर लाग रहे हैं। देखिए बैठे मशीन ले बैठे से लाग रहे हैं भाई। ठीक है, तौड़े तो मिल लगी मजाक का। ठीक ठीक भाई, एक गरीब आदमी था, उसका दौरा पीछे दिले हो गया। उसने एक अपने हाथ की गुठी बनवा ली। अच्छा, ते गांव में दुश्मन सौ सो से भाई, ते भाई वो मटियाला होका ले रहा। अच्छा, मटियाला होका ले रहा। अच्छा, अरे वो अपने रोज की रोज होका पीवे दे वाए मुट्ठी होके लावे। अच्छा, अरवा गुठी ने चमकावा अपनी ने। अच्छा, चमकानी दिए ते भाई आदमी ने न्यू दे बेरा पाट जा है। अच्छा, के भाई ये तेरे दुश्मन है, ये तेरे साहू है। अच्छा, ते एक दिन वह दुश्मन आने के दो दिन उसके दौरे बैठे। अच्छा, एक दो के एक घूंट मारी। अच्छा, अरुण नवा गुठी ताड़ ली। अच्छा, मेरा बटा गुठी दे गुठिये बनवा रहे। वो भी दिनेरी दिखा रहे हैं। उसका भी नो जच ली गए मेरे बेटे गुठी ने काट देंगे देख गए छोड़ता नहीं। अच्छा, प्यारे भाइयों के सामने मैना कैसेट कंपनी वालों की तरफ से, और आप जब भी कोई कैसेट खरीदें तो उस पर मैना मार्क का जरूर देख लें। कैसेट खरीदते समय ध्यान रखें, मैना कैसेट कंपनी की ही खरीदें। धन्यवाद।